गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो अर्पित के ब्लॉग्स में स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस जैसे कि देख रहे हैं आज खड़ी हमारे साथ रॉयल इनफील्ड के क्लासिक 350। ये जो कलर देख रहे हैं ना आपको गन ग्रे में देखने को मिल जाएगा, तो इसी का आज मैं आपको डिटेल में रिव्यू देने वाला हूँ। बाकी मैं 3-4 कलर का अपने चैनल पर डिटेल रिव्यू किया हूँ, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इसमें जो है ना ये टॉप मॉडल वाला मैं वेरियंट आपको दिखा रहा हूँ जो कि कॉस्मेटिक चेंजेस किया गया है। तो क्या कुछ चेंजेस किया गया है, क्या इसमें फीचर्स एड ऑन कर दिया गया, कितना प्राइस पड़ेगा, क्या माइलेज देगी, तो सारे टेस्ट इस वीडियो के थ्रू आपको देने वाला हूँ। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और मुझे अभी तक आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट की लुक देख सकते हैं, लुक जो है आपको पूरी सिमिलर देखने को मिलेगा। क्या कुछ चेंजेस किया गया है, सबसे पहले जो यहाँ पे आपको दो छोटे पायलट लैंप मिलते हैं ना, वो पहले आपको हैलोजन में देखने को मिलते थे, बट इसे अपडेट किया तो यहाँ पे आपको LED एड ऑन कर दिया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको राउंड शेप में यहाँ पे हेडलाइट मिल जाता है, जो कि ये भी पूरी आपको हैलोजन में पहले दिया करती थी, बट अब पूरी LED सेटअप के साथ ये आ रही है। यहाँ पे जो टर्न इंडिकेटर मिल रहा है आपको पूरी ग्लोसी ब्लैक का यहाँ पे यूज किया गया। इंडिकेटर भी जो है आपको यहाँ पे LED में कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे जो सस्पेंशन देख रहे हैं आपको डुअल टोन में देखने को मिलेगा, जो कि टेलीस्कोपिक 41mm वाला आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। मडगार्ड जो है पूरी आपको मेटल की क्वालिटी में 3-टोन में ब्लैक, यहाँ पे ब्रॉन्ज और ग्रे कलर का यहाँ पे यूज किया गया। सस्पेंशन में दोनों साइड आपको येलो कलर का रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इसमें जो है आपको 300mm का फ्रंट ब्रेक डायमीटर, वाइब्रे के ब्रेक कैलिपर्स दिया गया है, और टायर साइज जो है 190 का आपको टायर साइज, 19-इंच का एलॉय व्हील दिया गया है, और एलॉय पे जो है आपको ब्रॉन्ज कलर का स्ट्रिप दिया गया है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और दोनों ही आपको चक्के में ABS का प्लेट मिल जाता है। बाकी साइड की लुक यहाँ पे देख सकते हैं, लुक जो है ना पूरी आपको सिमिलर काफ़ी बोल्ड ये लगती है। सबसे पहले जो है यहाँ पे टैंक जो है आपको यहाँ पे मेटल की क्वालिटी में देखने को मिलेगा, जो कि साइड में यहाँ पे टैंक पेड भी दिया गया है, और 3-टोन का यहाँ पर भी यूज किया गया है। रॉयल इनफील्ड लिखी हुई आपको ब्लैक कलर में 3D में पूरी देखने को मिल जाएगा। उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे देख सकते हैं आपको इंजन पे रॉयल इनफील्ड लिखी हुई है। क्लिपर का क्वालिटी जो है काफी एक नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे टर्नेबल आपको फुटेज दिया गया है। साइलेंसर देख सकते हैं पूरी जो है आपको रब ब्लैक का यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि पूरी आपको लॉन्ग साइलेंसर यहाँ पे ऑफर किया जाता है, और यहाँ पे स्टील प्लेट का यूज किया गया है। टर्नेबल आपको फुटेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लासिक 350 लिखी हुई आपको स्टिकर मिल जाता है। की स्लॉट डालने का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि गाड़ी के कागज पत्र वगैरह खोल के आप आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको सस्पेंशन मिलता है विंड सोक अब्जर्वर मिल जाता है, जो कि 6 स्टेप में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। रियर में जो ब्रेक डायमीटर दिया गया है 270mm का, इसमें भी जो है आपको ABS का प्लेट मिल जाता है। 120 सेक्शन का आपको टायर साइज और 18-इंच का अलॉय व्हील आपको रियर में भी देखने को मिलता है। सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपको स्प्लिट सीट में देखने को मिलेगा, जो कि सीट की कसम वगैरह काफ़ी एक नंबर आपको मिल जाता है। 810mm का आपको सीट हाइट भी देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो ग्रे हैंडल दिया गया है आपको कनेक्टेड में देखने को मिलेगा, जो कि मेटल की क्वालिटी में यहाँ पे दिया गया है। उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का आपको स्टिकर मिल जाता है। LED में टेल लाइट मिल जाता है। यहाँ पे LED में टर्न इंडिकेटर, जो कि यहाँ पे हजार्ड्स का स्विच मिल जाता है। उसके साथ साथ नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन दिया गया है। लेफ्ट प्रोफाइल यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जो है यहाँ पे साड़ी गार्ड और लेडीज फुटेज जो है कनेक्टेड में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो चैन कवर है आपको हाफ चैन कवर मिल जाता है, जो कि फाइबर बॉडी के साथ आती है। यहाँ पे हुक दिया गया है। टर्नेबल फुटेज मिल जाती है। यहाँ पे मिडल स्टैंड दिया गया है। 5-स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ ये आती है। साइड स्टैंड पे साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, और लेफ्ट साइड भी यहाँ पे की स्लॉट का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप डिसेंट स्पेस दिया गया है, कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके की, तो की जो है आपको यहाँ पे वेब डिजाइन में देखने को मिलेगा। इसमें भी जो है थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, जो कि सेमी डिजिटल मीटर कंसोल के साथ ये आती है। यहाँ पे आपको 160 का टॉप स्पीड देखने को मिलेगा। टर्न इंडिकेटर का इंडिकेशन, न्यूट्रल का इंडिकेशन, बैटरी का इंडिकेशन, डुअल चैनल ABS दिया गया है। यहाँ पे फ्यूल की लो इंडिकेशन बताती है। यहाँ पे आपको फ्यूल की इंडिकेशन बताएगी, ट्रिप ऐप बताएगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको टाइमिंग बताएगा, उसके साथ साथ ओडोमीटर, ट्रिप 1 ट्रिप 2। इसमें जो है ना पहले गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आती थी, बट इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर एड ऑन कर दिया गया। यहाँ पे रॉयल साइबर नेविगेशन चला सकते हैं। उसको टॉगल करने के लिए यहाँ पे आपको आई बटन दिया गया है, जिससे कि आप यहाँ पे टॉगल कर सकते हैं मीटर को। और उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो है आपको USB चार्जर पोर्ट आया करती थी, बट अब टाइप सी में इसे कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर दिया गया और हॉर्न जो है आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। राइट साइड में यहाँ पे इंजन किल स्विच और पावर स्टार्ट इसी में दिया गया है। हजार से इसमें आपको पॉइंट मिल जाता है। तो आइए एग्जॉस्ट साउंड चेक करते हैं। इसका आपको एग्जॉस्ट साउंड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं इसके इंजन की, तो 349cc का आपको इंजन देखने को मिल जाता है। 20.2 BHP का पावर और 27 Nm का टोर की आराम से आपको निकाल कर देती है। सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक के साथ देखने को मिलेगा। एयर एंड ऑयल कूल दोनों को ये सपोर्ट करती है। माइलेज जो है ये आप 30 से 35 के आराम से इससे क्लेम कर सकते हैं, अगर आप एवरेज स्पीड में चलते हैं तो।
इसमें जो वेरिएंट है आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ 6 से 7 कलर ऑप्शन इस पर एड ऑन कर दिया गया है और इस पर कॉस्मेटिक चेंजेस 6 से 7 किया गया था, वो मैं आपको सारा डिटेल में बता दिया। प्राइस जो इसका आपको पड़ेगा 2,57,000 आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी शोरूम का जो भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम, थैंक यू गाइस, बाय।